कवि उपेन्द्र भंज ए जातिर महापुरुष रीति युगर श्रेष्ठ आलंकारिक कवि तांकर जन्म ए जाति को नूतन आलोक आलोकित करिछि महिमान्वित हेछे साहित्य तांकरी पाई गंजाम जिलार कुलाड़गड़ ठारे जन्मग्रहण करिथिबा ए राजवंशीय बागदेवींक बरपुत्र उपेन्द्र भंजंकर वैदेहिक विलास एक अमर कृति खाली ओडिया साहित्य रे नुहे भारतीय भाषा साहित्य रे एक अमुक्त माल्यदा वैदेहिक विलास ब अनुप्रास रे सामग्रिक भाव रे 52 गोटी छंद विशिष्ट एही महाकाव्य को रचना करी उपेन्द्र भंज ओडिया साहित्य रे अमर हो जाइछंती। आमे आलोचना करिबा यार अष्टविंश अध्याय जहाँ कह जा 28तम अध्याय एवं सुग्रीव रामचंद्रंकर मित्रता एथिपाई एकादश श्रेणीर छात्र छात्री मानंक निमन्ते एही विषय वस्तु रखा जाइछि मित्रता रामचंद्र एवं सुग्रीवंक मध्यरे जेउं अपर्व बंधुता सृष्टि हेइ जुग जुग पाई एहा सुवास वितरण करुछि प्रत्येक रामायण प्रेमी मानंक मध्यरे। आमे यार पूर्वरु एक भाग आलोचना करिछु एवं आज आलोचना करिबा यार द्वितीय भाग पार्ट टू। एहा चक्रकेळी छंदरे रचित होइछे एवं आमे मध्य एही छंदर नियम अनुसार पूर्व भाग रे आलोचना करिछु कविंक परिचय यथासंभव प्रदान करिछु। आज आसंतु देखिबा यार द्वितीय भाग। एबे रामचंद्र सुग्रीवंकु कहुछंती तुमर शत्रु केउठारे अछि देखाओ गोटे बाणरे मु ताकु बद्ध करदेवि बिंधिबाकु इच्छा जेबे बाळी कि बल कस दुंधिभि अस्थि टेकी दुंदुभि जो कहगला बल कस दुंदुभि अस्थि टेकी अर्थात दुंदुभि नामरे एक राक्षस एवं तार अनुज मायावी मायावी एवं दुंदुभी एही दुई राक्षस बाळी सहित भयावह युद्ध करिथिले एवं पाताल पर्यंत निर्मित होइथिबा एक गर्तरे जीवन भयरे दुंदुभी पशि जाइथिला एवं बाळी मध्य तार पथ अनुसरण करी सेही गर्त मध्यरे प्रवेश कर दुंदुभी राक्षस को मारिथिले एथिपाइन तार अस्थि मेद एहाकु मध्य से बाहर को नै आसीथिले। एबे आसंतु परवर्ती पद आलोचना करिबा। इतिमध्यरे सुग्रीव कहुछंती जदि बाळी को विनाश करिबार इच्छा मनरे जागृत होइछि रामचंद्र तेबे तुमको बल परीक्षा देवाकु पड़िबो तुमको परीक्षा देवाकु पड़िबो जदि तुम दुंदुभि दैत्यर अस्थि को टेकी फिंगी पारिबो तेबे तुम्हें ही समकक्ष हो पार बाळी सम योद्धा बोली प्रत्यायमान हेबो एवं बाळी सह युद्ध करिपार तेणु मो मनरे आशा जागृत हेब तुमको प्रथम बल परीक्षा देवाकु पड़िबो एथिपाई से कहिथिले बल कस दुंदुभि अस्थि टेकी अस्थि अर्थ हाड़ जो कहुच्छे कंकाल एवं ये अर्थ कहुच्छे विजे राम शुणी से सन्निधिर वृद्धांगुड़ी को बाम चरणर यह शुणी रामचंद्र निकट को गले बामांगुड़ी वृद्धा चरण अर्थ बामपादर बुढ़ा अंगुठी द्वारा मध्य से दुंदुभि अस्थि को टेकी यहाँ फिंगीदे पदर अर्थ यह शुणी राम से दुंदुभि राक्षसर अस्थि पड़ा स्थान निकट को गले एवं यथा साध्य निज बाम पादर वृद्धांगुटी से अस्थि उपरे रखिले। परवर्ती पदरे कहगला विन्यस्तजे कले अस्थि गिरीरे बने रुहे करी कर परीरे अर्थात हाथी तार शुंड को पद्म उपरे रखिबा परी बुढ़ा अंगुटी से वृद्धांगुटी जो कह जा बुढ़ा अंगुटी से अस्थि को रखिले रामचंद्र बेगे तोली से कली से जेमते बिहाय से फिंगी देले तेमते एटी बिहाय से शब्द अर्थ आकाश को जो कह जा पद्म कढ़ी जो कली बोली कहगला पद्म कढ़ी को हाथी जमी दली फिंगी दिए यही भाव निज बाम पादर वृद्धांगुष्ठी रामचंद्र दुंदुभि दैत्यर अस्थि को आकाश को फिंगी देले। एठारे बनेरुह शब्दर अर्थ पद्म एवं कली अर्थ कढ़ पद्मर कढ़ को यह मध्य बुझौछि। परवर्ती पदरे कह जा बरे शुभन्ते शबद ताहार व्योमे दृष्टि किस्किंदा वासींकर व्योम शब्दर अर्थ आकाश को किस्किंदावासी अर्थ किस्किंदार अधिवासी जो मान किस्किंदा राज्यर बासिंदा यही भाव अस्थि को फिंगिला बेले यह भयंकर शब्द है किस्किंदावासी आकाश को चाहिले वितर्किते से मई नाक उड़ी वज्र घाए बहुत दूर पड़ी मई नाक पर्वत विशेष जो कह जा अतीतरे पर्वत मानकर पक्ष थिला एवं ए पक्ष साहाज्य रे पर्वत माने उड़ी पारुथिले निज इच्छा रे से माने उड़ी जेउठारे बोली सेठारे पड़ुथिले फळरे अनेक जनपद विनष्ट हेला अनेक प्राणी माने मृताहत हेले एथि पई प्राणी समूह इंद्रंकु प्रार्थना करिवारु इंद्र तांकर वज्र साहाज्य रे
पर्वतमानंकर पक्ष को छेदन करिथिले। यथार्थरे एही पद को राधानाथ राय तेंक चिलिका काव्य सुंदर भाव वर्णना करिछंती। पक्ष छेदी शक्र भय कि शैले लुचि रहीथिले तोहरी सलीले। एथिपाई एहा पौराणिक मतवाद अछि जे पर्वतमानंकर पक्ष को छेदन करिथिले इंद्र। एहा जेउंभली भाव रे भयंकर शब्द हैला किष्किंधावासी अनुमान कले कि इंद्रंकर वज्र आघात रे मण्याक पर्वतर पक्ष छेदन कला बेले एहा भयंकर शब्द करी अनेक दूर रे पड़िला जेमते दुंदुभी राक्षसर अस्थि। एहाकु सुंदर भाव से चित्रण करिसेंती एक तुलनात्मक चित्रण कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। विकल्पता उपजिला सुग्रीवे बड़ गरुए होइथिला पूर्वे। विकल्पता उपजिला सुग्रीवे बड़ गरुए होइथिला पूर्वे। बड़ गरु गरु अर्थ भारी जो कह जाउछि अत्यंत ओजनिया ये शब्द रे गरु शब्द को व्यवहार करा जाय छि। विकल्पता जो एक संदेह प्रकट करिबा एवं विकल्पता अर्थ अन्य उपाय तार एक अनुरूप व्यवस्था अन्य व्यवस्था को एठी विकल्प बोली कह जाउ छि एवं विकल्प अर्थ मध्य एठार संदेह। ए जो दुंदीवे राक्षसर अस्थि को रामचंद्र तांकर बाम पादर बुधांगुटी रे ताहाकु फिंगी देले एहा देखि सुग्रीव अत्यंत विस्मय प्रकाश करिबा संगे संगे तांकर संदेह हैला जे एही प्रकार बड़ गरुए होइथिला पूर्वे। पूर्वे अर्थ अतीतरे जेतेबेले दुंदीवे राक्षस को मारिथिले महाराज बाळी सेतेबेले एहा मेदवांशरे भर्ती होइथिला। परवर्ती पदरे सुंदर भाव कथा को बुझाई दिया जाइछि। बसा आदि मांस चर्मे संपूर्ण बिना सत पुति बसे सेमान। यही अर्थर सरल व्याख्या होची ये पूर्वर बहुत भारी थिला एवं एबे यार मेदमांस झड़ी जिबारु सुखी जिबारु यार ओजन कम हो सारी। विवस्वान किरणे शुष्क भाव बहे बाली एबे तेबे राघव। अर्थात राघव शब्द यह होची रामचंद्र। राघव शब्दर अर्थ रामचंद्र एवं विवस्वान जहाँ सूर्यंकर अन्य नाम तेणु सूर्यंकर प्रखर किरण आघात दुंदुभी राक्षसर मृत दुंदुभी राक्षसर मेद मांस यह संपूर्ण पची नष्ट हो सारी शुष्क हो जाए तेणु यह कंकाल विशेष तेणु यह उठे पादर फिंगीदेवा खूब सहज बोली यह सुग्रीव अनुमान कर बहे बाली तेबे एबे राघव। अर्थात एबे जना पड़ू ना एक शुष्क अस्थि पंजरा को फिंगी रामचंद्र बाली समकक्ष वीर हो पारे कि ना यह सुग्रीवं मध्य विकल्पता अर्थात संदेह सृष्टि करेणुता सहित ये समकक्ष हो पारे कि ना यह से भावुंट बोले कथा एक अच्छी आहुरी बज्रु आंट सप्तशाला माधुरी। सुग्रीव इतिमध्य कहते आउरी एक कथा अच्छी तुमको आउरी एक परीक्षा देवाक पड़ो हे रामचंद्र तेणु बज्र आंट जो कह बज्र ठार आहुरी आंट जहाँ हूँ सप्तशाला माधुरी। सप्तशाला बन सप्तशाला माधुरी अर्थ सप्तशाला बन जहाँकि इंद्र जहाँकि इंद्रंकर बज्र ठार आहुरी मध्य सक्त यह आंट अर्थ से कही सप्तशाला वृक्ष को छेदन करने को हम सप्तशाला वृक्ष संपर्क आलोचना कले बाली एवं सप्तशाला यह एक सुंदर कहानी। बाली जानते भारा मणु वसुधा बड़ अधे रखी तही बेधा। अर्थ बाली वसुधा उपरे पाद रखी चल प्रचल करने समय रे पृथ्वी बाड़ीर भारा को सह्य करी पारिले नाही एथिपाई बेधा एठारे बेधा शब्द कहा जाए ब्रह्मा एवं बोध करिबा ए दुई अर्थरे व्यवहृत हो पार बेधा शब्द तेणु विधाता कौन करिछंती बाळींक देहरु अधे बड़ एही सप्तशाला वृक्षरे गच्छित रखिछंती बोली एहा मध्य सुग्रीव कहुछंती। एक विराट नागसाप सात बांक होई सोइथिबा समय रे प्रतिटि बांकरे एक एक गच्छ रहिछि जहाकु जा कहा जाउछि सप्तशाला वृक्षर वन एवं एका सररे एही सप्तशाला को जे छेदन करिपारिबो से ही बाळी समकक्ष युद्ध से ही बाळी समकक्ष योद्धा हो पार किंवा ता सहित तुल ता सहित तुलनीय हो पार बोली यह मध्य सुग्रीवंकर हृदयबोध अच्छी से परीक्षा पाई मध्य रामचंद्र को यही प्रस्ताव मान दौंट बहे तुल पात्र रहे समाने विभागरे गुरु द्रव्य जेसने। भारी पदार्थ को समान भाव ओजन कले निकितिर दुईपाख जमी स्थिर रहे पृथ्वी सेमती यही गच्छ द्वारा कौन सी दिग को नढ़ली समान भाव रही बिंधि भेदि न पारंती इंद्रादि बाण करे पारिबो जेबे भेदि। अर्थात इंद्रादि
ସକଳ ବୀର ଦେବତାଗଣ ସୁର ବୀରଗଣ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଏହି ସପ୍ତଶାଳ ବନକୁ, ସାତୋଟି ଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ତୁମେ ଯଦି ଛେଦନ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ବାଳି ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେବ। ବୀରାଧାରୀ ବୋଇଲେ କାହିଁ କାହିଁ ବଳି ମୁଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେଇ ଦେଖାଇ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବୀରାଧାରୀ ଅର୍ଥ ବିରାଧ ନାମକ ରାକ୍ଷସର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କେଉଁଠାରେ ସେ ସାତୋଟି ଶାଳ ଗଛ ବା ସପ୍ତଶାଳା ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଏବଂ ଇତ୍ୟବସରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ସପ୍ତଶାଳା ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବଳି ମୁଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏବଂ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅନର୍ଘମଣି ଏହି ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ 52 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଅନେକ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କ୍ଲିଷ୍ଟ ତାହା ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛେ, ତାହା ବୁଝିନେବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।